नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, सैमसंग के फोन में रिसेंटली ऐड किया गया है एक नया फीचर जो है विजेट ऑन लॉक स्क्रीन का। मतलब कि आप अपने होम पेज पे जो विजेट प्लेस करते हो, सेम वही विजेट आप अपने लॉक स्क्रीन पे भी प्लेस कर पाओगे। जैसे कि अगर आप होम पेज पे लॉन्ग टैप करोगे, जाओगे विजेट में, तो आप देखोगे ये जो आपको शो कर रहे हैं सभी विजेट, ये सेम विजेट अब आप अपने लॉक स्क्रीन पे भी ऐड कर पाओगे। तो अगर आप भी अपने फोन में इस शानदार फीचर को इनेबल करना चाहते हो, तो आपके फोन में गुड लॉक, फाइन लॉक या नाइस लॉक का सपोर्ट होना जरूरी है, तभी आप अपने फोन में इस फीचर को इनेबल कर पाओगे। तो आपके फोन में जो भी सपोर्ट करता है गुड लॉक, फाइन लॉक या नाइस लॉक, आपको उसे ओपन करना है। फिर ओपन कीजिए लॉक स्टार को, जाइए यहाँ पे अबाउट लॉक स्टार में, और यहाँ पे जो वर्जन होगा वो होना चाहिए 5.1.0.24 या उसके अबो। अगर इससे पुराना वर्जन है तो आपके फोन में ये फीचर काम नहीं करेगा। इसके लिए मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक पे टैप करके लॉकस्टार के नए वर्जन को अपडेट करना है। तो इस तरीके से ये पेज ओपन होगा, फिर आपको करना है यहाँ पे डाउनलोड एपीके। डाउनलोड होने के बाद आपको उसे करना है इंस्टॉल इस तरीके से, अपडेट डन कीजिए। फिर से आपको ओपन करना है लॉकस्टार को। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो स्टाइल, ये है लॉक स्क्रीन के लिए और ये है एओडी के लिए। आपको लॉक स्क्रीन के स्टाइल को ऑन करना है, फिर फोटो पे टैप कीजिए। तो आपको कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस पे टैप करना है, और आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा नया फीचर जो है एड विजेट का। तो जैसे आप इस पे टैप करोगे आपको शो करेंगे ये सारे विजेट। तो आप इन विजेट को पहले होम पेज पे ही एड कर पाते थे, लेकिन अब आप अपने लॉक स्क्रीन पे भी एड कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें नीचे करेंगे ताकि जो विजेट है हम ऊपर प्लेस कर सके। तो हम करेंगे इन्हें नीचे इस तरीके से, ये है नोटिफिकेशन आइकन। इसके अलावा म्यूजिक का जो पैनल है उसे भी हम नीचे करेंगे। तो मान लेते हैं मुझे ऐड करने हैं यहाँ पे दो विजेट, एक तो बैटरी लेवल का विजेट, मतलब कि कौन से डिवाइस में कितनी बैटरी लेवल है। इसके अलावा मैं ऐड करूंगा डिवाइस करके विजेट को, मतलब कि मैं अपने फोन को अनलॉक किए बिना जान पाऊंगा कि मेरे फोन में रैम और स्टोरेज कितनी अवेलेबल है, और मैं वन टैप में ही मेमोरी को क्लीन कर सकता हूँ। तो आपको ब्लैंक स्पेस पे टैप करना है और ऐड विजेट पे टैप कीजिए। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा बैटरी के विजेट को, तो मैं बैटरी पे टैप करूंगा, और यहाँ पे आपको मिलेंगे दो स्टाइल, आपको जो स्टाइल चूज करनी है उस पे टैप कीजिए और ऐड पे टैप कीजिए। इसके अलावा आप इनका कलर भी चूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी चूज कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको करना है इस तरीके से सेव पे टैप। तो बैटरी विजेट ऐड हो चुका है, हालांकि मैं इसकी साइज भी चेंज कर सकता हूँ, आपको इस पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक डॉट कॉर्नर में, आपको इसे ड्रैग करना है इस तरीके से इसके साइज को चेंज करने के लिए। तो मैंने साइज को चेंज कर दिया है, आपको जितनी साइज रखनी है उतनी सेट कीजिए। अगर आपको इसके सेटिंग्स को चेंज करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है, कॉर्नर में आपको मिलेगा यहाँ पे फोर स्क्वायर का आइकन, टैप कीजिए। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो, इसके अलावा जो कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से शो करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे डिवाइस करके विजेट को, तो आपको ब्लैंक स्पेस पे टैप करना है, ऐड विजेट पे टैप कीजिए। ये रहा डिवाइस के, आपको इस पे टैप करना है। मुझे ऐड करनी है ये स्टाइल, तो मैं इस पे टैप करूंगा ऐड। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, सेव कीजिए। आपको इसे करना है नीचे शिफ्ट इस तरीके से, ताकि जो बैटरी का विजेट है वो भी शो करे। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, आपको जो ब्लैक डॉट है कॉर्नर में उस पर ड्रैग करना है साइज को चेंज करने के लिए इस तरीके से। फिर हम इसे करेंगे नीचे ड्रैग, तो यहाँ पे बैटरी लेवल और जो डिवाइस का विजेट है दोनों शो कर रहे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कोई भी विजेट ऐड कर सकते हो, तो आपको बस टैप करना है, जाना है ऐड विजेट में, जो विजेट आपको ऐड करना है उस पर टैप कीजिए, और उस पर इस तरीके से आपको टैप करके करना है ऐड। तो मैंने अभी ऐड किए हैं फिलहाल दो विजेट, बैटरी लेवल और डिवाइस करके लिए। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। तो अगर मैं अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे जाऊंगा तो आप देखोगे अब मुझे शो करेंगे ये दो विजेट जो मैंने ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हो मैं अपने फोन को अनलॉक किए बिना अब चेक कर सकता हूं अलग अलग डिवाइस के बैटरी लेवल को, कि मेरे ईयरबड में, स्मार्ट वॉच में कितनी बैटरी लेवल है। इसके अलावा ये है डिवाइस करके का विजेट, जहां से मैं जान पाऊंगा कि मेरे फोन में स्टोरेज और रैम कितनी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं वन टैप करके यहां से मेमोरी को भी क्लीन कर सकता हूं अपने फोन को बिना अनलॉक किए। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग विजेट को ऐड कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पे, और आप अपने फोन को अनलॉक किए बिना अलग अलग इन्फो को चेक कर सकते हो या फिर अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हो काफी आसानी से। और अगर आप किसी भी विजेट पे टैप करोगे तो आप काफी आसानी से उस ऐप को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो इस तरीके से। यह है बैटरी एंड डिवाइस का ऐप। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस में विजेट को अब लॉक स्क्रीन पे भी ऐड कर पाओगे काफी आसानी से।
दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।